दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल के डायलर में इस तरीके से कोई भी बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड का, अपनी गर्लफ्रेंड का, या फिर अपने बेटे का, किसी का भी आप लगा सकते हैं। जो जिसको आप लाइक करते हैं उसका फ़ोटो आप बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो है डायलर है, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करता हूँ यहाँ भी आएगा, मैसेजेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी आएगा, मोबाइल की मेन सेटिंग्स में मेन्यू में क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे भी दिखाई देगा। बहुत लाइटली दिखाई देगा, आपकी मर्जी चाहिए से थोड़ी ओपेसिटी इसकी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा भी आप रखना चाहते हैं इसे अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। तो इसे आप कैसे लगाएंगे मैं आपको बताऊंगा। अभी आपने देख लिया तो अब मैंने यहाँ पे एक ऐप को इंस्टॉल किया, बहुत छोटी सी ऐप है, 2 MB की ऐप है, बहुत ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा, विदाउट कोई साइनअप, कोई भी साइन इन लॉग इन नहीं करना, डायरेक्टली फोटो अप्लाई हो जाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको जो ऐप है उसे मैं यहाँ से लॉग आउट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने जो है अपने मोबाइल से उस एप्लीकेशन को जो है अनइंस्टॉल कर दिया। मैं यहाँ पे आपको डायलर में लेके चलता हूँ, देखिए रिसेंट वगैरह में कहीं भी फोटो आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मैसेज में भी लेके चलता हूँ कोई फोटो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे मैं आपको ऐप वापस में इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और आपको सिखा दूंगा जिससे कि आप आसानी से कर सकें। तो आपको अपने प्ले स्टोर में सर्च करना है डिजाइनर टूल्स, ठीक है, इस तरीके से सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आएगी डिजाइनर टूल्स प्रो, इसे इंस्टॉल कर लेना है। 2 MB की ऐप है, बहुत छोटी सी ऐप है, ना कोई साइनअप करना पड़ेगा, ना कोई जीमेल वगैरह, लॉगआउट वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो फटाक से फोटो अप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गई है, ओपन करेंगे और अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना तभी आप लगा पाएंगे। तो इस तरीके से आएगा इंटरफेस इस ऐप का, ठीक है, एक दो ऐड वैड आ सकते हैं छोटे मोटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ऐप ओपन होते ही आपको मोकअप ओवरली पे क्लिक करना है। यहाँ पे मोकअप ओवरली पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के यहाँ पे ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो मोड में लेंगे तो पोर्ट्रेट वाले पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये परमिशन मांगेगी, अलाउ कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अलाउ करेंगे तो जो है आपकी गैलरी खुल जाएगी। अब यहाँ पे आप जो भी फोटो लगाना चाहते हैं सिंपली अपनी गैलरी से उसे ढूंढ लेना, सर्च कर लेना। तो मैं आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फ़ोटो लगा के दिखाऊंगा। देखिए मैं चलता हूँ कैमरे में, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट यहाँ पे बिल्कुल आप अच्छे तरीके से लगा पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं एक कोई भी फ़ोटो आपको लगा के दिखा देता हूँ, कोई अच्छा सा फ़ोटो। तो ये देखिए ये मैंने फोटो ऐड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे फोटो ऐड हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मोकअप ओवरली, ठीक है, ये ऑप्शन है, इसे अनेबल करना है। जैसे आप इसे अनेबल करेंगे तो एक परमिशन का यहाँ पे पेज खुलेगा। परमिशन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डिजाइनर टूल्स प्रो लिख रहा है, ये इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ऑलवेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑलवेज पे क्लिक करेंगे तो बस आपका जो फोटो अप्लाई हो चुका है, यहाँ से बैक करें। अगर आपको फोटो सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं इसकी किस तरीके से लगाना है तो यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर दें, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ओपेसिटी है फोटो की कितना आप दिखाना चाहते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं वर्टिकल अलाइन है इस तरीके से। यहाँ पे ये 2-3 सेटिंग्स है, बस इन्हें आप कर लीजिए। तो बस देखिए यहाँ से बैक करते हैं और डायरेक्ट आपको कीपैड में लेके चलता हूँ। तो देखिए इस तरीके से फोटो अप्लाई हो चुका है, था ना कितना आसान। तो इसी तरीके से आप भी फटाक से जो है कीपैड वगैरह मैसेज बॉक्स में सभी चीज़ की नीचे आपको फोटो दिखाई देगा लाइटली, ठीक है, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे।